नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहर। ज्ञानवापी इस वक्त सुर्खियों में है, लगातार मामला कोर्ट में है, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से जिस तरीके से दावा किया गया कि वहां पर शिवलिंग है और इसके बाद वजू खाने में वजू करने से रोक दिया गया, वहीं मुस्लिम पक्ष ये बताने में जुटा है कि ये फवारा है। फिलहाल कुछ सबूत भी लीक हुए हैं जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है। ऐसे में लगातार मस्जिदों के अंदर मंदिरों की बात चल रही है, वो केवल ज्ञानवापी ही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे विवाद देश में चल रहे हैं। फिलहाल एक बहुत बड़ा बयान इन सब मामलों को लेकर आया है और वो बयान है आरएसएस की तरफ से। जी हाँ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सभी चौंक गए हैं। आपको बता दें कि आरएसएस, जो कि एक वक्त राम मंदिर को लेकर पूरे देश में आंदोलन कर रही थी, अब वही आरएसएस ये कह रही है कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढना। अब आरएसएस और संघ कोई भी आंदोलन मंदिर के लिए नहीं करने वाला है। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए, हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है। उन्होंने नागपुर में संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि अब आरएसएस मंदिरों को लेकर कोई आंदोलन नहीं करने वाला है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान राम मंदिर आंदोलन का भी जिक्र किया। मोहन भागवत ने कहा कि संघ ने राम मंदिर आंदोलन में जरूर हिस्सा लिया था और कोई इस बात को नहीं नकार सकता, लेकिन तब संघ ने अपनी मूल प्रवृत्ति के विरोध जाकर उस आंदोलन में हिस्सा लिया था। अब भविष्य में संघ किसी मंदिर आंदोलन में नहीं शामिल होने वाला है। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन के दौरान ज्ञानवापी विवाद पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि इतिहास को कोई नहीं बदल सकता है, ज्ञानवापी का एक मुद्दा है, इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ना गलत है। मुसलमान आक्रमणकारी तो बाहर से आए थे। वहीं मोहन भागवत ने यह भी कहा कि अब संघ के जरिए हर तरफ सिर्फ प्रेम का प्रसार करना है, हिंदुत्व भाव के साथ अब आगे बढ़ना है। इस बात पर भी जोर दिया जाए कि अब देश में किसी भी समुदाय के बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए, भारत को विश्वगुरु बनाना है और पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाना है और अब संघ इसी पर आगे बढ़ेगा। इसके अलावा एक बड़ा संदेश देते हुए मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशने की जरूरत नहीं है, कुछ आस्था के केंद्र हो सकते हैं, लेकिन हर मुद्दे पर लड़ाई अब नहीं करनी चाहिए, विवाद हर बार क्यों बढ़ाना। तो मोहन भागवत का ये बहुत बड़ा बयान है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब संघ किसी भी तरीके से कोई भी मंदिर मस्जिद के विवाद में नहीं पड़ने वाला है, ना ही कोई वो आंदोलन करने वाला है। साथ में उन्होंने राम मंदिर आंदोलन का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि तब संघ अपनी मूल प्रवृत्ति से हटकर उस आंदोलन में शामिल हुआ था, लेकिन अब संघ केवल दुनिया को शांति की पाठ पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगा। हर बार मस्जिदों में मंदिर और शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर बार विवाद बढ़ाना अच्छा नहीं है। फिलहाल मोहन भागवत, जो कि संघ प्रमुख है, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान है। ऐसे में इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते, वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया, उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू, आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे, उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया, इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए, उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए, हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए।
यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है, परंतु पूजा वहाँ की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम है।